हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। और मेरे चैनल का नाम है वर्षा ब्यूटी केयर। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो अगर आपको है सनटैन की प्रॉब्लम, झुर्रियां, उझाइयों, डार्क स्पॉट, पिगमेंटेशन, पिंपल्स और काफी सारी और भी प्रॉब्लम्स है स्किन से रिलेटेड, तो इनका सॉल्यूशन मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। अगर आप मेरे बताए हुए DIY यूज करते हैं तो आपकी ये प्रॉब्लम भी मिनटों में दूर हो जाएगी। तो चलिए देख लेते हैं। अब जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मेकअप तो हम हर टाइम करके नहीं रह सकते हैं, क्योंकि 24 घंटे तो मैं भी मेकअप कर नहीं रहती हूँ। और आगे पीछे मैं आपको बिना मेकअप के ही नजर आऊंगी, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा मेकअप नहीं करती हूँ जब मैं घर पर रहती हूँ। तो जहां तक कोशिश कीजिए आप भी कि जितने भी फेस पैक वगैरह होते हैं, DIY होते हैं, ऐसी चीजें यूज कीजिए जिससे आपकी स्किन नेचुरल तरीके से ग्लो करे और आपको फाउंडेशन की बहुत ज्यादा लेयर भी नहीं लगानी पड़ेगी। तो यही सब चीजें मैं भी फॉलो करती हूँ और मैं भी बहुत सारे DIY, ये जितने भी फेस पैक वगैरह मैंने आपसे शेयर किए हैं, ये भी मैं यूज करती रहती हूँ। तो ऐसे ही आज कुछ और DIY फेस पैक मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ, जिनसे आपकी स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम दूर होगी, आई एम श्योर। तो मैं यहाँ पर शेयर करने जा रही हूँ आपसे, ये आप देख सकते हैं मेरे हाथ में है इस वक्त, ये एलिमिनेसिस का ये 100% प्योर ऑरेंज पील पाउडर। तो ये आप देख सकते हैं, ये खूबसूरत सी पैकेजिंग में आता है, देखिए ये सील्ड है और काफी इजिली जिप्लॉक पैक में आता है, तो काफी इजिली बंद भी हो जाता है और ओपन हो जाता है। और इसमें आपको अगर क्वांटिटी की बात की जाए तो आपको इसमें 100 ग्राम का प्रोडक्ट मिल जाता है। 100% प्योर नेचुरल है, ये ऑर्गेनिक है 100%, और सभी चीजें इसके ऊपर मेंशन की हुई हैं, आप देख सकते हैं। और इन्हें किस किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं आप, यही चीजें मैं आज आपको इस वीडियो में बताने जा रही हूँ। और इसकी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा। और इसका पाउच मैं पहले भी एक बार इस्तेमाल कर चुकी हूँ, तो मुझे काफी सारे फायदे मिले इसके, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसके फायदे आपसे भी शेयर करूँ। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं आपसे उसी चीज का रिव्यू शेयर करती हूँ जो कि मैं खुद इस्तेमाल कर चुकी हूँ। तो चलिए देख लेते हैं। तो ये कुछ इस तरह से ओपन हो गया है, आप देख सकते हैं। इसकी खुशबू भी बहुत ही अच्छी है। तो यहां पर मैं सबसे पहले आपको स्क्रब तैयार करना सिखाऊंगी कि स्क्रब हमें कैसे बनाना है। तो यहां पर मैं ले रही हूं एक क्लीन बाउल, ले लीजिए। इसके अंदर हम 1 चम्मच ऑरेंज पील पाउडर ऐड करेंगे। तो यहां पर मैंने ये 1 चम्मच ऑरेंज पील पाउडर ले लिया है और अब हम इसमें दही ऐड करेंगे। क्वांटिटी आप अपने हिसाब से भी ले सकते हैं इसकी पाउडर की। और अब मैं इसमें इस्तेमाल करूंगी हनी। हनी आप चाहें तो किसी ब्रांड का ले सकते हैं जो भी आपके पास अवेलेबल हो। तो यहां पर मैं इसमें ऐड कर रही हूं 1 चम्मच हनी। इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए और ये आपका स्क्रब जो है तैयार है। अगर आपको ये थोड़ा सा ड्राई लग रहा है तो आप इसमें रोज वाटर भी ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहां पर गुलाबरी का रोज वाटर ले रही हूं, आपके पास जो भी अवेलेबल हो वो आप ले सकते हैं। इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। तो चलिए मैं इसे अपने फेस पर लगा लेती हूँ। और आपने इस स्क्रब को 2 से 3 मिनट तक मसाज करनी है, उसके बाद आप अपने फेस को नॉर्मल वाटर से वॉश कर लीजिए। और इस स्क्रब से गाइज आपके जितने भी ब्लैकहेड व्हाइटहेड्स हैं वो दूर होंगे और आपकी डेड स्किन सेल्स को भी ये रिमूव करने में हेल्प करेगा। और इस स्क्रब को आप अपने पूरी बॉडी पर भी लगा सकते हैं, और अगर आपकी शादी होने वाली है तो डेफिनेटली आप इन सभी चीज़ों को एक बार जरूर ट्राई कीजिए, इन स्क्रब को ट्राई कीजिए। और अगर आपकी शादी में थोड़ा सा भी टाइम है तो आप प्लीज़ इसे एक बार जरूर ट्राई कीजिए गाइज, बहुत ही इफेक्टिव है। प्लस ये आपके स्किन टेक्सचर को भी इम्प्रूव करने में हेल्प करेगा। इस स्क्रब को भी आप डेली में भी यूज़ कर सकते हैं, तो कोई नुकसान नहीं है इसका। और इस स्क्रब को जब भी आप बाहर से आते हैं तब भी आपने इसे अप्लाई जरूर करना है, क्योंकि बाहर से जब हम आते हैं तो हमारी स्किन पर काफ़ी सारी डर्ट और इम्प्योरिटीज जमा होती है, मैल जमा होता है, तो उसे ये रिमूव करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। बचे हुए स्क्रब को मैं इस तरीके से हाथों पर लगा रही हूँ, आप चाहें तो पूरी बॉडी पर भी लगा सकते हैं, बहुत ही इफेक्टिव स्क्रब है गाइस, प्लीज़ इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। और इसके बाद मैंने दोनों जो आपको फेस पैक बताए हैं उसे भी आप अपनी पूरी बॉडी पर अप्लाई कर सकते हैं, और धुलन सा निखार भी आएगा इससे आपकी स्किन में, और जितने भी डार्क स्पॉट हैं उसे भी ये दूर करेगा, फाइन लाइन रिंकल्स को दूर करेगा। और अब मैं आपको एक ऐसा फेस पैक बताने जा रही हूँ जो कि आपकी झुर्रियों, उझाइयों, डार्क सर्कल पे बहुत अच्छे से काम करेगा और आपकी डार्क सर्कल को भी रिमूव करेगा। तो चलिए देख लेते हैं। यहां पर मैं सबसे पहले ले रही हूँ 1 चम्मच पील पाउडर, यही ऑरेंज पील पाउडर है, ये एलिमिनेसिस का।
और इसमें थोड़ा सा दूध ऐड करूंगी मैं। आपने एक फाइन सा पेस्ट बना लेना है। और अब मैं इसमें ऐड करूंगी एक पिंच हल्दी, इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। तो ये देखिए मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसे अपने फेस पर अप्लाई कर लेती हूँ। और इसे भी आपने सिर्फ 5 से 7 मिनट ही रखना है, ज्यादा ड्राई नहीं होने देना है। इस चीज का ध्यान रखें क्योंकि हमने ये झुर्रियों के लिए तैयार किया है फेस पैक, तो ज्यादा इसे ड्राई मत होने दीजिए। तो यहाँ पर आपने देखा मैंने जो दूध वाला जो क्लिंजर तैयार करा था एक तरह से, तो वो भी मैंने लगा लिया है। और ये हमने झुर्रियों के लिए तैयार किया था फेस पैक, तो आपने इसे ज्यादा देर तक अपने फेस पर नहीं रखना है, सिर्फ 5 से 7 मिनट ही रखना है, ज्यादा ड्राई मत होने दीजिए। नेक्स्ट हमें एक और फेस पैक मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो आप 1 चम्मच ऑरेंज पील पाउडर ले लीजिए। तो ये देखिए मैंने 1 चम्मच पील पाउडर ले लिया है। उसके बाद मैं इसमें 1 पिंच हल्दी ऐड करूंगी। उसके बाद आपको इसमें थोड़ा सा लेमन ऐड करना है। और इसके बाद मैं इसमें रोज वाटर ऐड करूंगी। इसे भी अच्छे से मिक्स कर लीजिए। और ये आपका फेस पैक है तैयार। और इसे आपने 5 से 10 मिनट तक लगाकर रखना है अपने फेस। नेक्स्ट मैंने जो फेस पैक तैयार किया था वो मैं लगाने जा रही हूँ। इसमें मैंने रोज वाटर और हल्दी मिक्स की थी और नींबू मिक्स किया था। तो इसे अब अच्छे से मिक्स करके मैं अपने फेस पर लगा लेती हूँ। और इसे आपने अच्छे से ड्राई होने देना है क्योंकि ये एक तरह से फेस पैक है, तो इसे अच्छे से ड्राई होने दीजिए। उसके बाद ही आपने अपने फेस को वॉश करना है नॉर्मल वाटर से। इसके बाद आपने ध्यान रहे कोई भी फेस वॉश वगैरह यूज नहीं करना है। और इसे आप अपनी पूरी बॉडी पर भी लगा सकते हैं और नेक पर लगाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि नहीं तो फेस का कलर कुछ और दिखता है और नेक का कलर थोड़ा अलग नजर आता है। तो इसलिए अब अपनी नेक एरिया पर भी इसे जरूर अप्लाई कीजिए। तो ये देखिए मैंने लगा लिया है और अब मैं इसे 10 से 15 मिनट तक रखूंगी, अच्छे से ड्राई होने दूंगी। तो जब ये ड्राई हो जाएगा उसके बाद मैं अपने फेस को नॉर्मल वाटर से वॉश कर लूंगी। साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको एक चीज और बताना चाहती हूँ, अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो आप इसमें लेमन को ऐड ना करें। आप इसमें सिर्फ रोज वाटर और हल्दी को मिक्स करके भी फेस पैक को तैयार कर सकते हैं। और अगर आप दही मिक्स करना चाहते हैं तो दही भी मिक्स कर सकते हैं। और अगर आप दही मिक्स नहीं करना चाहते हैं तो आप इसकी जगह पर हनी और टर्मरिक पाउडर ऐड कर भी इसका जो फेस पैक है तैयार कर सकते हैं। तो ये देखिए मेरा फेस पैक अच्छे से सूख चुका है और अब मैं अपने फेस को नॉर्मल वाटर से वॉश करती हूँ। तो मैंने अपने फेस को वॉश कर लिया है। और काफी स्मूथ लग रही है स्किन, काफी सॉफ्ट लग रही है, बहुत ही मुलायम लग रही है, छूने में बहुत अच्छी लग रही है और ग्लो आप देख ही सकते हैं। तो आप भी इन सभी स्टेप्स को एक बार जरूर फॉलो कीजिए, आई एम श्योर आपकी स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम दूर हो जाएंगी। तो देखा दोस्तों आपने कि मेरी स्किन में कितना अच्छा ग्लो आया है। आई एम श्योर आपके लिए आज की वीडियो हेल्पफुल रही हो, और हेल्पफुल लगे तो प्लीज मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूले। और आप इन सभी चीजों को वीक में 2 से 3 बार भी ट्राई कर सकते हैं, 2 से 3 बार यूज कीजिए, आपको आपकी स्किन में काफी अच्छा ग्लो भी नजर आएगा और आपकी स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम भी दूर होगी, जैसा कि डार्क स्पॉट, झुर्रियां, चाइयां, पिगमेंटेशन, सन टैन की प्रॉब्लम दूर होगी, जैसा कि गर्मी बहुत है। तो आप इन सभी चीजों को वीक में 2 से 3 बार ट्राई कर सकते हैं और स्क्रब भी आप यूज कर सकते हैं। तो ये था मेरा आज का वीडियो, आई रियली होप कि आपके लिए आज की वीडियो हेल्पफुल रही हो, और हेल्पफुल लगे तो प्लीज मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूले। और आप मुझे अगर पहली बार देख रहे हैं या मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में जो बेल बटन है इसे प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपसे मेरी कोई भी न्यू वीडियो मिस ना हो। और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पे। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।